सभी को प्यार भरी राधे श्याम, सभी के चरणों में दंडवत। आइए सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और आज हम आनंद लेंगे श्री जी की प्यारी सी लोरी का। तो आप सबसे पहले जुड़ जाइए और फिर हम आनंद लेंगे श्री जी की उस लोरी का। आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और सबसे पहले हाजरी अपूर्वा जी आपकी, श्री जी ने स्वीकार करी, आपको खूब सारी बधाई। अपूर्वाचार्य जी, आप श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट में भी हैं। श्री जी का वो टैग, वो ब्रांड आपको मिला हुआ है। श्री जी आपको मिली हुई हैं, आपको खूब सारी बधाई। और रितेश जी, उषा जी, महेश गोयल जी, अनीता जी, सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज भैया कारणवश नहीं लाइव आ पाए, तो कोशिश तो बहुत करी उन्होंने लेकिन नहीं लाइव आ पाए। तो श्री जी की लोरी आज इस दास के द्वारा, और जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है तो उस विषय में जो कुछ चर्चाएं, उस विषय में हम कुछ चर्चा है वो करेंगे। और हमारी श्री जी का प्रकट उत्सव, प्राकट उत्सव, श्री जी की पावन प्यारी राधा अष्टमी पर्व, वो भी आने वाला है। तो उसके बारे में भी कि हम उस राधा अष्टमी को किस तरह से विशेष बना सकते हैं, हम उसमें भी जुड़ेंगे। कौशल जी, देवू जी, संध्या जी, संजना जी, नीतू जी और संजना दुआ जी, संजना दुआ जी ने दिव्य सेवा महोत्सव में खूब आनंद लिया है। श्री जी का परिवार के संग पधारी और श्री जी के दर्शन किए, श्री जी का वो प्रसाद। मुस्कान तनेजा जी, तान्या जी, देवू जी, और आज हम एक भक्त को अपने साथ में जोड़ेंगे जिन्होंने दिव्य सेवा महोत्सव में खूब आनंद लिया, खूब अपना सेवा का योगदान दिया। और श्री जी ने कैसे कृपा करी, ये श्री जी से, श्री जी की कृपा कैसे पाई जाती है, ये भक्त के भाव हैं। तो आज हम उन भक्त को भी बीच में ऐड करेंगे और उनके भाव श्री जी के प्रति क्या थे उस समय और अब क्या हैं, तो उनके भाव भी ये हम जरूर श्रवण करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि दिव्य सेवा महोत्सव विश्राम हुआ और दिव्य सेवा महोत्सव में बहुत सारे लोगों ने श्री जी की वो कृपा पाई। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिले, परिवार के लोग एक दूसरे से मिले और अच्छी जान पहचान हुई। जान पहचान के साथ साथ श्री जी का वो प्यार, ऐसे भक्तों के बीच में श्री जी ने लुटाया है। मेरी राधा रानी सरकार पता नहीं क्या दे दे, और सच बात है कि हम वो चीज सोच भी नहीं सकते और राधा रानी वो दे देती हैं। ऐसी कृपा हमारी श्री जी ने करी और करती रहती हैं। भक्त के भाव होते हैं, दिन तो सारे खास होते हैं लेकिन जब अपना जन्मदिन हो ना, मुझसे कई लोगों ने करा कि क्या तुम्हारी दिव्य सेवा महोत्सव में श्री जी ने विशेष कृपा करी। श्री जी वैसे विशेष कृपा नहीं करती। तो एक ही उस चीज का जवाब है कि दिन तो सारे होते हैं, हम साल के 365 दिन होते हैं लेकिन जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है ना, हमें अपनी, एक भक्त की नहीं, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, कि जिस दिन उसका जन्मदिन होता है तो वो अच्छे से तैयार होता है, अच्छे से सुबह उठ के सारा साल मंदिर जाए ना जाए, उस दिन मंदिर जरूर जाएगा, ठाकुर जी की, श्री जी की, अपने भगवान की, इष्ट की पूजा जरूर करेगा और मांगेगा श्री जी से कि श्री जी आज मेरा जन्मदिन है तो आप कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो। एक नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी भक्त की बात नहीं कर रहा। और जो भक्त होते हैं उनके लिए अपने जन्मदिन से ज्यादा हमारी लाडो का, हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव विशेष होता है। तो उस भक्त ने बोला, क्या भैया तुम्हारे दिव्य सेवा महोत्सव में ही कृपा हुई है भक्तों पे, और वैसे श्री जी कृपा नहीं करती। ये बात बिल्कुल मैं ठुकराता हूँ। श्री जी हर बार जब भी आप जाओगे, श्री जी की कृपा आप पे बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। अगर आप अनुभव करें
तो श्री जी की कृपा आप पे बढ़ रही है। ये बात सत्य है, इस बात को कोई अगर झुठलाता है तो वो भैया से या मुझसे बात कर सकता है कि श्री जी की कृपा मेरे पे नहीं है और दिन प्रतिदिन बढ़ नहीं रही। श्री जी की याद आना, श्री जी की याद आना सबसे पहले वो कृपा की एक निशानी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कैसे ज्ञात हो कि श्री जी हमें याद कर रही हैं, या इस चीज ये के चीज कैसे शुरू होती है, हमें कैसे ज्ञात हो। जैसे कोरोना महामारी चली थी तो हम कहते थे कि इसके सिम्टम्स क्या थे, खांसी आना ये, और श्री जी की कृपा के सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप श्री जी की कृपा के सिम्टम क्या मानते हो, श्री जी की याद आना सबसे पहली कृपा का वो सिम्टम है कि हम दिन में एक बार भी श्री जी को याद कर लेना। आज एक बार करेंगे तो कल दो बार करेंगे, ये श्री जी की कृपा है। और श्री जी उसके बाद हमें धाम बुला ले, इससे बड़ी कृपा तो हो नहीं सकती। धाम में हमें संतों का आशीर्वाद मिल जाए, दर्शन मिल जाए, इससे और बड़ी कृपा। संतों के साथ साथ ब्रिजवासियों की जो चर्चा है वो होनी शुरू हो जाए, वो कृपा है। उसके साथ साथ अगर ब्रिजवासी तुम्हें गारी दे रहे हैं ना, ये मत समझना कि वो गारी है। श्री जी की वो गारी एक तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है ना, हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, माँ दियाँ गाला ता कि ओदे बराबर ने। ये हमारे पंजाबी में यहाँ कहावत कही जाती है कि जो हमें माँ गालियां निकालती है ना, वो देसी घी जो होता है उसके बराबर है, कि माँ हमेशा सुधारने के लिए गारी देते हैं। और श्री जी के प्यारे हैं ब्रिजवासी, अगर वो गारी दे तो समझ लो और कृपा। श्री जी के महलों में रुकने का मौका मिले वो और कृपा, श्री जी के महलों का प्रसाद पाए वो और कृपा। ऐसे जो कृपा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और हम सब कहते हैं कि श्री जी ने कृपा क्या करी, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। अभी कई लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहिए, ये भी एक बात है। भक्त कहते हैं भक्त कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस विषय में भैया से बात हुई कि जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कैसे भैया करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी बातें होती हैं जैसे वो बैंक बैलेंस वाली बात। लेकिन भैया ने बोला कि भैया आम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारी श्री जी अब भी चमत्कार करती हैं। श्री जी ने ऐसे चमत्कार किए, ऐसी कृपा की, आप सब दर्शन करिए हमारे प्यारे ठाकुर जी के, और आज हम एक ऐसे भक्त को जोड़ेंगे जिन पे श्री जी ने खूब कृपा करी। और जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि ठाकुर जी ने और श्री जी ने कृपा क्या इसी दिव्य सेवा महोत्सव में करी, तो भैया एक तो महाउत्सव था, एक तो दिव्य सेवा महोत्सव चल रहा था परिवार, ये अकेले भैया का सेवा महोत्सव नहीं था। अगर आप सोचें कि भैया सेवा में थे तो अकेले भैया ही उस सेवा महोत्सव के अधिकारी हैं। अरे वो सेवा महोत्सव के अधिकारी, श्री जी को छूने का हक वो तो भैया का है, वो तो किसी और का हो नहीं सकता। लेकिन उस सेवा महोत्सव में हमने कैसे योगदान दिया, जरा इसमें चर्चा करना। और सच मानिए जिन्होंने योगदान दिया है उनसे पूछ के देखिएगा, और परिवार की तरफ से वो सेवा महोत्सव संपूर्ण रूप से विश्राम हुआ, संपूर्ण रूप से भैया ने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब श्री जी गई तो पुजारी जी के मन में कैसे भाव थे। और सच मानिएगा जब हमारी श्री जी नीचे गई है ना, जब श्री जी नीचे गई हैं तो उस समय ऐसे रोने का मन कर रहा था, जब श्री जी के हम अगल बगल वो एक चेन बना के खड़े थे, हैप्पी भैया, यश भैया, मैं और भी जो गोस्वामी परिकर था और भी श्री जी के भक्त, जो वो चेन बना के खड़े थे, जब श्री जी गई है ना तो उस समय ऐसा मन में भाव आ रहा था कि खुशी के आंसू किसे कहते हैं, इतनी खुशी श्री जी के प्रति वो कैसे व्यक्त करें। तो जो भाव कि श्री जी के
दिव्य सेवा महोत्सव में एक तो महाउत्सव, ऊपर से हमारे परिवार की तरफ से सेवा महोत्सव। तो श्री जी अति प्रसन्न थी, जिसने जो मांगा वो पाया। आपको भैया ने चमत्कार बताया था कि जो काम बिहारी जी 12 साल में नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं बिहारी जी काम नहीं करते, लेकिन उनका भाव युगल चरणों में था, तो युगल चरण को ध्याए बिना कैसे वो काम हो जाता। श्री जी ने वो काम कर बताया। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य भक्त का। और जैसे साल के 365 दिन हैं, अपने जन्मदिन के खास रूप, जन्मदिन पे खास रूप से वो पर्व मनाते हैं, उसी तरह श्री जी कृपा तो करती हैं, पल पल करती हैं, लेकिन देव्य सेवा महोत्सव में श्री जी ने भक्तों पे ऐसी कृपा करी है, ऐसी ऐसी कृपा करी है, जिसने जो मांगा उससे बढ़ के पाया है। वो तो पाया ही है, उससे बढ़ के पाया है। श्री जी ने अपने भंडार संपूर्ण रूप से खोले हैं। और आइए, एक भक्त हैं और वो अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो, अनुजा जी, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें और मैं आपको ऐड करता हूँ। तो आप जो भी आपके भाव जो आपने महलों में लिए, वो आप अब भक्तों के साथ वो शेयर जरूर करें। और अनुजा जी अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि आप उस सेवा महोत्सव में आई और श्री जी ने कैसे आप पे कृपा करी। और भक्त कह रहे हैं कि भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अगर वो नहीं ऐड हो पाती तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और श्री जी की कृपा से बहुत कृपा हुई, नेहा गोयल जी वहाँ पधारी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, डिम्पल खन्ना जी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बबीता जी सब वहाँ पधारे और परिवार की तरह मुझे किसी से मिलके ये नहीं लगा कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। कुछ भक्तों ने ऐसा प्यार दिया, ऐसा दुलार दिया कि लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। श्री जी ने ऐसी कृपा करी। और अनुजा जी अभी भी मेरी आवाज़ सुन रही हो, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दें ताकि मैं आपको ऐड कर पाऊँ। अगर आप लाइव देख रही हैं तो आप साथ जुड़िए और भक्तों को आपके साथ जो भी श्री जी ने कृपा करी, श्री जी की कृपा आप पे हुई और मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज, अनुजा जी आप जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करें और आप दर्शन करते रहिए हमारे प्रिया प्रीतम के, लाडली लाल जी और बिहारी जी महाराज, सब राधे राधे जरूर बोलते रहें और श्री जी के चरणों में अपनी हाजी लगाते रहें। अनुजा जी आपको जो रिक्वेस्ट है वो चली गई, आप एक्सेप्ट करिए और जुड़िए और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो भाव हैं वो भक्तों के साथ शेयर करें। और आप सब श्री जी के चरणों में राधे राधे बोलते रहें, अपनी हाजिरी लगाते रहें और श्री जी सब पे खूब कृपा करें। आज की लोरी अभी तक कंफर्म नहीं है मेरे पास, देखते हैं श्री जी किस पे कृपा करती हैं। राधे श्याम। और ये अनुजा जी हैं जिन पे जब श्री जी के महल में आई हैं और श्री जी ने इन पे खूब कृपा करी, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि श्री जी की कृपा इन पे कैसे हुई। और मैं इनसे कहूंगा कि जो आपका एक्सपीरियंस था, भाव था श्री जी के चरणों में, वो आप हम सबके साथ जरूर शेयर करें। राधे राधे। हेलो, राधे श्याम जी। जब मैं बरसाना आई थी अभी, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम स्पीचलेस कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है राधा रानी की कृपा का बयान करने के लिए। मैं वो शब्द कहाँ से लाऊं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, बस उनकी कृपा की बात ना पूछो। हम लोगों के पास इतने इतने वर्ड भी नहीं है कि मैं उनकी कृपा का बखान कर पाऊँ सबके सामने।
उनकी कृपा को सिर्फ और सिर्फ बस एक महसूस किया जा सकता है, बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि जो चीज हो रहा है। सच बताऊं तो वहां जाके मुझे ऐसा लग रहा था, मैं शॉक थी, बस मैं देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। बस सोचने समझने की सारी शक्ति, सब कुछ, सब एकदम ब्लैंक हो गया था मेरा माइंड। और सिर्फ मैं बस आंखें खोल के देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये सपना तो नहीं है, ये सच है। क्योंकि मैं हमेशा, बस मेरे मन में यही भाव था कि राधा रानी का भी ऐसा हो जाए। क्योंकि अक्सर जब भी हम जाते हैं तो इतना ही टाइम मिल पाता था कि बस दर्शन किए और चले। तो हमेशा मैं बस ये सोचती थी कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं महल में रुक पाऊंगी, राधा रानी की सेवा कर पाऊंगी। जब मैं तुलसीदास बाबा को देखती थी तो बस मन में ये भाव आता था कि राधा रानी, कभी क्या मैं भी आपकी कोई सेवा कर पाऊंगी, ये पंखे की हवा मैं कभी कर पाऊंगी क्या, मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत भी नहीं। हम तो किसी इंसान को खुश भी नहीं कर सकते, तो वो तो अलादनी शक्ति है, उनको कहाँ से कैसे मैं इस लायक बन पाऊंगी कि कभी कोई ये सेवा मिल पाएगी। बस मैं ये सोचती थी, कभी बोला भी नहीं, बस मन में सोचती थी। पर वो बोलते हैं ना कि अंदर की आवाज को सुनती है, लाखों में किसी एक को चुनती है, अंदर की आवाज को सुनती है। तो बस मुझे लगा कि बस मेरी अंदर की आवाज ही सुनी। उसमें मेरा बर्थडे था और बहुत व्यस्तता भी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे। बस लेकिन पता नहीं कहाँ से ऐसा हुआ कि एक बार बोल के देखती हूँ, मैंने घर पे बोला तो मान भी गए, हम सब लोग गए, मेरे पापा मुझे लेके गए और वहां गए। वहां पर मतलब हम पहले वृंदावन गए थे, वृंदावन से फिर हम बरसाना गए। तो बरसाना जब हम पहुंच रहे थे तो हमें कोई भी ऐसा वो मिल नहीं रहा था, बस वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। बारिश वारिश भी उस दिन हो गई थी तो लग नहीं रहा था कि मतलब पहुंच पाएंगे। और मैं आज उस दिन मतलब 8 अगस्त था तो मैं दर्शन कर पाऊंगी राधा रानी का। तो मैंने मन में सोचा था, मैंने कहा मैया राधा रानी बस थोड़ी देर रुक जाओ, हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर रुक जाओ, सोने मत जाना, मेरे लिए थोड़ी देर रुक जाना, हम पहुंचने वाले हैं। पता नहीं कहाँ से कोई एकदम से वैन आई, उसमें हम आए और सिर्फ 10 मिनट बचे थे शयन आरती में पटबंध होने को, और हम नीचे थे तब तक। तो सारे बरसाना के लोग भी हमसे बोल रहे थे जल्दी जाओ, बट बंद होने वाले हैं, दर्शन नहीं हो पाएंगे, जल्दी जाओ। तो हम लोग मतलब इतने तेज भाग के गए, और रिक्शा भी हमें नहीं मिला। माता ने मतलब राधा रानी ने परीक्षा भी ली लेकिन वो रुकी भी रही हमारे लिए। उस दिन रिक्शा भी नहीं था क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था, हम लोग पैदल हम भाग भाग के पहुंचे। और आप मानोगे, बस वहां पहुंचे और एकदम से पर्दा खुला आरती के लिए और मैंने दर्शन किए। वरना मैं पूरे रास्ते ये सोचती आ रही थी कि अगर आज मुझे दर्शन नहीं हुए ना, मैं पूरी रात ना कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना सोऊंगी। जब सुबह दर्शन होंगे मंगला के टाइम, उस टाइम ही कुछ खाऊंगी और दर्शन के बाद ही बस। लेकिन राधा रानी ने इतनी कृपा की, इतनी के बुलाया, दर्शन भी दिए, पान प्रसादी भी दी, अपने महल में जो उनको भोग लगता है वो भोग हमें मिला। और जब हम महल में ही रुके, महल में ही सोए, और तुलसीदास बाबा ने खुद मुझे प्रसाद दी, खुद उन्होंने मुझे पंखे की सेवा दी, मैंने रात भर राधा रानी को पंखा किया। तुलसीदास बाबा ने इतनी कृपा की कि वो थोड़ी देर के लिए सोए और उन्होंने मुझे पंखे की सेवा दी। मैंने जी भर के राधा रानी की गोद में बैठी मैं उस दिन रात को, पूरी रात। बस मुझे ये लग रहा था कहीं मेरी आंख नहीं लग जाए, कहीं ये रात न निकल जाए जो इतनी किस्मत से पता नहीं कैसे मिली। मैं बस सिर्फ आंखें खोल के देख रही थी कि हो क्या रहा है, ये सपना तो नहीं है। अंदर की आवाज को सुना, मेरे भाव को सुना, मुझे बुलाया राधा रानी ने। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी राधा रानी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी इतनी कि मैं बता नहीं सकती आपको। किसी इंसान की, किसी की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी राधा रानी मेरे साथ है। मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, उनसे यही विनती है बस, राधा रानी मुझे कभी चरणों से दूर मत करना, क्योंकि मैं तो सदा से चूकन हारी हूँ और क्षमा स्वभाव तुम्हारा है। अब तुम ही कहो कहाँ जाऊं मैं, किसकी दासी कहाऊं मैं। बस मेरी राधा रानी कभी मुझसे नाराज मत होना, कृपा बरसाए रखना।
और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब हम आ रहे थे, मतलब सुबह हुई, मंगला हुई, मंगला के बाद जब हम सुबह आ रहे थे तो कुछ कहने लायक ही नहीं थी मैं राधा रानी से। मतलब ऐसा लग रहा था कि शुक्र करूं भी तो किन शब्दों में शुक्र करूं, किन शब्दों में उनका उनको आभार करूं, हंसूं, रोऊं, नाचूं, गाऊं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा लग रहा था उस दिन। तो बस सिर्फ आंसू, सिर्फ आंसू, सिर्फ आंसू, बस सिर्फ आंसू बह रहे थे। सब कुछ मैं उनसे आंसू से कह रही थी, बस कुछ भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंसू। बस ऐसा लग रहा था कि इससे बढ़ के कोई भेंट भी नहीं है राधा रानी जो मैं आपको दे सकूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही है जो मैं लाई हूँ, आप स्वीकार करो। बस ऐसे लग रहा था आप जाने का समय आ रहा है, कब बुलाओगी, कब बुलाओगी। बहुत एक्सपीरियंस है, अब मैं अगर इतना बोलने लगी तो मुझे लगता है पूरी रात यही हो जाएगी। श्री जी ने आप पे खूब कृपा करी और श्री जी से यही प्रार्थना कि श्री जी कृपा करती रहे। और आपने जो महलों में आनंद लिया, जो श्री जी का वो महसूस किया श्री जी को, वो श्री जी सदा महसूस अपना दिलाती रहे और श्री जी आप पे खूब कृपा करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस राधा रानी और अष्ट सखियां वो सब जैसे कि महल में घूम रही हों। रात मैं पूरा महल को देखती रही, सिर्फ श्री राधा 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 करती रही, सिर्फ खंबे और इतनी शांति, और मेरी राधा रानी, ऐसा लग रहा था मैं उनकी गोद में बैठी उनको पंखा कर रही हूँ। सारी चीजें मतलब एक सपना सा लग रहा था, जो जो मैंने सोचा वो सब सब कुछ होता जा रहा था। जो मेरे भाव थे वो उन्होंने सारे भाव, मतलब कहते हैं कि राधा रानी की डिक्शनरी में ना नहीं है, ना नहीं होता उनकी डिक्शनरी में, वो सबको सब कुछ देती हैं। बस भाव सच्चा होना चाहिए आपका, आप अच्छे होने चाहिए, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, उससे अच्छे नहीं होते, आप अच्छे बनो अंदर से, जैसी वो है खुद सरल। और लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम से उनके जो कनेक्शन है कट गए, लेकिन श्री जी ने ऐसी कृपा करी आपने सबने उनका एक्सपीरियंस कि एक बार बोल के तो देखूं घर में कि मेरा जन्मदिन है तो उपहार के तौर पे मुझे बरसाना ले जाओ, वृंदावन ले जाओ। और श्री जी ने जब कृपा करनी होती है फिर किसी के मन में कुछ भी डाल देती हैं। और उनके जो फैमिली हैं अपने फैमिली के साथ बरसाना आई, और कैसे जो परीक्षा हुई, श्री जी ने परीक्षा नहीं ली लेकिन फिर भी कुछ परीक्षाओं के बाद श्री जी के दर्शन हुए। और जो इन्होंने बोला कि महल में रुकने वाली बात इन्होंने करी, तो वो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब इनके जो फैमिली में थे ये और इनके पापा, जब इन्होंने बात करी भैया से और भैया को बताया हम ऐसे हैं, तो कहते हैं ना कि पुजारी के भीतर उस समय श्री जी विराजमान रहती हैं, क्योंकि श्री जी को अपने हृदय से लगाना, अपनी छाती से लगा के श्री जी को गर्भगृह में लेके जाना, उनकी सेवा करनी, चरण सेवा करनी, तो श्री जी का वो जो अंश होता है उस समय उनके भीतर होता है। जो बोलते हैं पुजारी, श्री जी का ही कहना होता है, पुजारी का कहना नहीं होता। तो जब इन्होंने बात करी कि भैया हमें रुकने के लिए यहाँ कमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रहा, समय ज्यादा हो चुका है तो हम नीचे वाले हॉल में हो जाएंगे, उस समय भैया के मन में आया कि श्री जी कृपा करें कि महल में अगर इनको, तो जब भैया ने व्यवस्था बनाई, भैया ने क्या बनाई, श्री जी का हुक्म था तो भैया ने वो कृपा, श्री जी की कृपा से इनको बोला कि आप दो जाने आप महल में रुक जाइए, सेवा करिए। इनका सेवा करने का मन है, क्योंकि सेवा करने का मन हो सब जरिए बन जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर जब सिर्फ दर्शनों का रहता है तो श्री जी खूब दर्शन देती हैं। तो इन पे श्री जी ने खूब कृपा करी। और जैसे कि भक्त बोल रहे हैं कि भैया अपना एक्सपीरियंस, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करूं, श्री जी के चमत्कार ऐसे हुए हैं जिंदगी में कि पल पल श्री जी ने ऐसे चमत्कार करे हैं कि अगर, ये तो कहते हैं ना कि अगर मैं बताने बैठूं तो शायद रात बीत जाएगी, अगर आप मेरे साथ, मेरे श्री जी ने जो मुझ पे और मेरे परिवार पे वो चमत्कार किए हैं, अगर वो बताने बैठे तो शायद रात नहीं, पता नहीं कितने दिन कितनी रातें लग जाएं। श्री जी ने इतनी कृपा करी
और सब पे करी है। कई भक्त मेरे साथ फोन पे अगर कई बार बात करते हैं तो बात करते करते 1 घंटा हो जाता है तो पता नहीं लगता कि वो 1 घंटा कब हुआ, क्योंकि श्री जी की वो चर्चा और उसमें बताने में इतना सुख मिल रहा होता है कि श्री जी ऐसे ने, श्री जी ने मेरे पे ऐसे कृपा करी, श्री जी ने मुझे ये दिया, श्री जी ने मुझे वो दिया, और सबसे बड़ी बात श्री जी ने प्यार दिया। और मेरा जो भैया के अपने परिवार का जो दिव्य सेवा महोत्सव था उसके उसमें जाने का जो दिन था वो 3 या 4 तारीख को था, 3-4 में नहीं, 4-5 को बन रहा था कि 4 या 5 को जाएंगे और उस सब के बाद साथ की साथ वापसी आ जाएंगे। लेकिन श्री जी ने ऐसी कृपा करी, पता नहीं 1 दिन पहले और 20 दिन पहले वो टिकट बुक थी मेरी, वो टिकट जो थी ऑलमोस्ट सीटें दिख रही थी कि अभी तक सीट पड़ी है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उसी समय बुक करवा लेंगे, और 4-5 की मैं देख रहा था। लेकिन श्री जी की जब करुणा दया हुई तो 1 तारीख, ना जाने क्या ऐसा मन में आया कि 30 तारीख को भैया का फोन आया कि भैया आप आ जाओ, और उनका कहना ऐसा लगा, एक मन में ऐसा भाव आया कि श्री जी तुझे जल्दी बुला रही है और तू जा नहीं रहा, तो उसी वजह से हम एकदम से श्री जी के महलों में गए। और सुबह की हमारी ट्रेन थी और जब हम श्री जी के महल में पहुंचे हैं और दोपहर का समय था, उस समय श्री जी के इतवार का दिन था तो इतनी भीड़ थी श्री जी के महलों में कि बस सेवा में भैया ने आगे खड़ा किया कि भैया यहाँ खड़े हो जाओ और परिवार के लोग आएंगे, सबको अटेंड करना आप बस। उस समय भैया ने इतना बोला और भैया से मेरी कुछ बात नहीं हुई, भैया ने बोला आ गए बस। भैया गर्भगृह के उस मंदिर चौखट पे खड़े थे और उन्होंने इतना बोला कि भैया आप आ गए बस। उसके बाद हमने श्री जी की वो प्रसादी, श्री जी को पता थी कि मेरे भक्त आ रहे हैं, वो भूखे हैं, तो श्री जी ने वो प्रसादी संभाल के रखी हुई थी हमें जाने पे, प्रसादी श्री जी की, वो प्रसादी राजभोग हमें प्राप्त हुआ, हमने वो प्रसाद पाया है। और उसके बाद हमें नहीं पता कि रात के 9 कब बज गया और श्री जी अपने गर्भगृह में विश्राम के लिए गई। और उसके बाद सबसे मुलाकात हुई, बड़े भैया, गौरव भैया, माधव भैया, चंदर भैया और हैप्पी यश, इन सब से उस समय मुलाकात हुई रात के समय। और श्री जी की कृपा उस सेवा महोत्सव में दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। और जैसा कि आपको लाइव में भी बताया कि जो चमत्कार देखने को मिला कि ठाकुर जी के मुखारविंद पे वो पसीना कैसे, एक तरफ से अगर मैं आपको ठाकुर जी का रूप आप मानसिक रूप से समझिए, और उस समय ठाकुर जी का जो मस्तक था इधर वाली जो साइड है, जो ठाकुर जी की ये वाली साइड है, और वहां पे जो चंदन था सूखा हुआ था, और जो इधर वाली साइड थी उस पे जो चंदन था वो गीला था, और जैसे श्री जी ने गोपी चंदन लगा रखा है, आप दर्शन कर रहे हैं, तो जहाँ आईब्रोज होते हैं, जहाँ आईब्रोज शुरू हो रहे हैं, उसके ऊपर जो चंदन था वो गीला था। और उस समय जब ये कृपा हैप्पी भैया ने जब बताया कि भैया देखो श्री जी का चमत्कार आप साक्षात देखो, कैसे भैया बताते होते थे कि श्री जी के महल में ऐसे चमत्कार होते हैं, तब उस समय इतना रोमांच अंदर पैदा होता था कि क्या अभी हमें दर्शन करने को मिलेंगे। और उस समय जब दर्शन किए हैं ना, कई भक्तों ने दर्शन खुले हुए थे, कई भक्तों ने दर्शन करे हैं, ऐसी कृपा उन्होंने करी। और श्री जी की गोद में सोना, उसका तो हम कुछ बखान नहीं कर सकते, श्री जी की गोद में ऐसे नींद आती है कि आप क्या पूछें। वो जैसे भक्त बता रहे थे ना कि तुलसीदास बाबा को उन्होंने प्रार्थना करी कि बाबा मुझे पंखा सेवा करनी है, और बाबा ने भी कहा जी जरूर करो, और उन्होंने वो पंखा सेवा करी। उसके बाद उन्होंने महलों में प्रसाद वो पाया, उसका आनंद लिया, श्री जी ने भूखे तो कभी रहने नहीं दिया, वो प्रसाद पाया और महलों में सारी रात राधा नाम लिया, ऐसी कृपा उन पे करी। लेकिन इस दास पे ना जाने श्री जी ने कैसी कृपा करी है, ना जाने कैसी आगे होगी, लेकिन श्री जी की कृपा एक महसूस है कि जिसे हमने महसूस किया। हम कहते हैं ना कि
जो गुलाब जामुन होता है वो कितना मीठा है, हम आप उसको बता सकते हो कि कितना मीठा है? हम ये कहेंगे भैया बहुत मीठा है इसमें, बहुत मीठा। उसी तरह जो श्री जी की कृपा है, बहुत कृपा है, और श्री जी की वो दया, उस समय ऐसी ऐसी दया हुई है श्री जी की कि श्री जी ने अपने एक बच्चे की तरह और पूरे परिवार ने, जो गोसाई परिवार हमारे चंदर भैया अम्मा और सब भाभी, उन्होंने ऐसा प्यार दिया है कि जब हमारे वापस आने का समय था तो उस समय कहते हैं ना कि हालात कुछ बयान नहीं कर सकते, तो आंसू उस समय बताते हैं, अगर हमारे उस समय आंखों में आंसू आ गए तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर जो उनके प्रति प्यार है वो बाहर आ रहा है। लेकिन श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि उनकी कृपा को याद भी रखना था और वापिस भी आना था, वही झंझटों में फंसना था, काम में जाओ, ये करो वो करो, लेकिन श्री जी के महल में क्या था कि श्री जी की सेवा करो। श्री जी ने जितनी श्री जी की सेवा हो सकती है उतनी सेवा करो, और जब हम श्री जी के प्रति सेवा कर रहे थे तो श्री जी खाली नहीं बैठी थी, श्री जी को हमारा पूरा ध्यान था कि कैसे इनको किस समय पे क्या खिलाना है, क्या देना है, श्री जी पल पल की खबर हमारी रख रही थी। और पूरे सोचिए कितना, कितने भक्त वहां आए हैं, कितनी भीड़ आप सबने देखी भी है, दर्शन करे हैं, सब पे कैसे कृपा करना ये श्री जी ही कर सकती हैं। और श्री जी से प्रार्थना की, श्री जी ये जो दया आपने करी है, कृपा आपने भक्तों पे करी है ना, ये सदा इसी तरह करते रहना, कभी ऐसा ना हो कि ये कृपा हमसे कभी दूर हो या आपकी दया हमसे कभी दूर हो, जो आप ये मंद मंद मुस्कुराते हैं और अपने हाथों से आशीर्वाद देते हैं ये कभी दूर मत करना। और श्री जी से यही प्रार्थना, आइए मिलके श्री जी की वो लोरी, और जो भी भक्त श्री जी के महलों में पधारे थे, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, और मेरे भैया, बड़े भैया, चंद्र भैया, माधव भैया, गौरव भैया, अगर वो लाइव देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनसे एक ही मैं एक ही बात कहूंगा कि इस सेवा महोत्सव में मैं मानता हूं मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इस चीज में कोई, अगर मैं कहूं मेरे से कोई गलती नहीं हुई तो ऐसा गलत है। इतने उस समय इतना रोमांच था कि पता नहीं मुख से क्या निकल रहा था, क्योंकि श्री जी की सेवा में ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस थी उस समय शरीर में आ रही थी, कि ऐसी वाइब्रेशंस भी होती हैं, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा महसूस श्री जी को करना, श्री जी के भक्तों का ऐसा प्यार, और श्री जी के महल में जो जब सेवा करते हैं उनका ऐसा प्यार। एक परिवार जब प्यार करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। माँ यही कहूंगा कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं या मेरे परिवार से किसी से गलती हुई हो तो श्री जी को साक्षी मान के, श्री जी को सन्मुख, श्री जी के मेरे सन्मुख विराजमान है श्री जी, तो उनसे डर के यही कहता हूँ कि आप क्षमा करें, मैं दंडौत करके आपसे माफी मांगता हूँ, और किसी भी भक्त को मेरी कोई बात बुरी लगी हो सेवा महोत्सव में, क्योंकि कईयों को तो मैं जानता भी नहीं था, तो वो आए लेकिन मैं नहीं, क्योंकि जानता नहीं था, लेकिन उस समय सेवा महोत्सव था, इतनी भीड़ थी, अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो मैं साक्षात दंडोत करके माफी मांगता हूँ। आइए श्री जी की वो प्यारी लोरी करते हैं और उसके बाद अपने लाइव सेशन को विश्राम देते हैं। नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके, नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके, कौन किशोरी जी को दूध पिलावे, कौन किशोरी जी को दूध पिलावे, कौन खवावे मलाई किशोरी जू को, नैनों में नींद भरे आई किशोरी जू के, मैया किशोरी जी को दूध दूध पिलावे, पिलावे मैया किशोरी जी को दूध दूध पिलावे, बाबा बाबा खवावे खवावे मलाई किशोरी किशोरी जू के, जूके, नैनों नैनों
नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके। कौन किशोरी जुकी सेज सजावे, कौन किशोरी जुकी सेज सजावे, कौन ये चावर डुलावे किशोरी जुके। नैनों में नींद किशोरी जुके, ललिता किशोरी जुकी सेज सजावे, ललिता किशोरी जुकी सेज। सजावे विशाखा ये चवर डुलावे किशोरी जुके, नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके। कौन किशोरी जी को लोरी सुनावे, कौन किशोरी जी को लोरी सुनावे, कौन ये चरण दबावे किशोरी जुके। नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके, मैया किशोरी जी को लोरी सुनावे, मैया किशोरी जी को लोरी सुनावे। बाबा ये चरण दबावे किशोरी जुके, नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बार बार बलहारी किशोरी जुके, बार बार बलहारी किशोरी जुके। नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके, नैनों में नींद भरे आई किशोरी जुके। और आप सब भी राधे राधे बोल के श्री जी के चरणों में हाजी लगाते रहें। आप सब की हाजी श्री जी के पावन धाम बरसाना धाम में, और श्री जी खूब कृपा करें, आपको खूब श्री जी का प्यार वो दुलार मिलता रहे। और आज हमारे परिवार में आशु जी हैं, उनकी बेटी का जन्मदिन है, श्री जी उन पे खूब कृपा करें और श्री जी उनको अपना प्यार दुलार अपनी भक्ति सदा देती रहें, श्री जी के भक्ति पथ पे वो सदा चलते रहें और उनको जल्दी श्री जी के दर्शनों का वो सौभाग्य मिले। और आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करें, और परिवार में जिनका और जन्मदिन है श्री जी खूब कृपा करें। प्रतिमा जी, रीना जी, अमन कौर जी, नेहा गोयल जी, नीतू जी, आलोक जी, अश्नि चावला जी, प्रतिमा जी, आप सबको श्री जी का प्यार भरा आशीर्वाद दुलार, आप सबको मेरी प्यार भरी राधे श्याम। श्री जी के चरणों में दंडोत करते हुए आपके भीतर विराजमान श्री लाडली लाल जी महाराज और बिहारी जी महाराज के चरणों में दंडोत, और आप सबको श्री जी का प्यार दुलार साधुवाद और संतों का आशीर्वाद, इसी मनोकामना के साथ आपको प्यार भरी राधे श्याम। सभी के चरणों में दंडोत, सभी को प्यार भरी।